नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि होम बेस्ड बिजनेस आइडिया क्या है और हम होम से अपने घर पे बैठे बैठे किन बिजनेस आइडियाज को शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आसानी से बिना किसी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, होम बेस्ड बिजनेस आइडियाज ऐसे होते हैं कि हाँ जी, आप अपने घर से ही बिजनेस को शुरू कर पाएंगे बहुत आसानी से, बहुत इजिली। तो उनमें पहला बिजनेस आइडिया जो है वो है वेबसाइट डिजाइनिंग का। तो वेबसाइट डिजाइनिंग ग्रेट होम बेस्ड बिजनेस आइडिया है एक तरीके से। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास डिजाइन की, वेबसाइट्स की। देखिए, कोई भी बंदा कर सकता है, इसको स्किल्स ज्यादा रिक्वायर नहीं है। आजकल तो कुछ ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हो। हाउएवर, अगर आपके पास लैक ऑफ स्किल्स है, मतलब स्किल्स नहीं है वेबसाइट बनाने की, या वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखिए उन्हें देख के आप बना सकते हैं। आप वर्डप्रेस पे अपनी आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। विक्स एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको लर्न करना है कि हाँ जी किस तरीके से कोड करना है, सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्री रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें देख के भी सारी चीजें कर सकते हैं। तो स्किल जो ओनली एसेंशियल है वो ये है कि आपको कस्टमाइज वेबसाइट बनानी है क्लाइंट्स की, और उन वेबसाइट को बनाने का सारा तरीका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है और उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू कर देनी है। बट थोड़ा सा अगर आप कोर्स वोर्स कर लेते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज है वेबसाइट डिजाइनिंग का करके, बहुत सारी चीजें जिसे आप कर सकते हैं आसानी से, जिसके थ्रू आप आसानी से किसी की भी वेबसाइट बना सकते हो। आप नई वेबसाइट बना सकते हो, आप अपने कस्टमर्स के लिए वेबसाइट बना सकते हो, ऑनगोइंग सपोर्ट दे सकते हो कस्टमर्स को। वेबसाइट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि वर्डप्रेस वगैरह में प्लगइन इंस्टॉल करना है या कुछ ऐसी चीज करनी है, वो कर सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए, इसके अलावा ज्यादा आपको कोई चीज नहीं है। देखिए, जब से पेंडेमिक शुरू हुआ, कोविड शुरू हुआ, उसके बाद से ये चीजें शुरू हो गई कि हाँ जी, आप ऑनलाइन ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकते हो। और सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, हर बिजनेस को वेबसाइट की जरूरत है, क्योंकि हर कोई बिजनेस ऑनलाइन होना चाहता है आफ्टर कोविड। तो आप ऑफर कर सकते हो चीपर रेट्स पे, स्मॉल बिजनेस बिल्डिंग कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो आप विक्स को यूज करो, WIX, विक्स और वर्डप्रेस, और आप आसानी से ये काम कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से आपको किया जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। दूसरा आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर आप करना चाहते हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसमें, होम बेस्ड बिजनेस मॉडल है इसका। एफिलिएट मार्केटिंग एक तरीके की, किसी की भी बिजनेस प्रोडक्ट्स को आपको एफिलिएट करना है, मतलब प्रमोट करना है और लोगों तक, ताकि वो खरीदे। जैसे कि आपकी जॉब है मार्केट करने अदर्स प्रोडक्ट, और उनको जो है ना बाय लिंक भेजना अपना, और उस पर जो भी बंदा बाय करेगा आपको कमीशन मिलेगा। कुछ ऐसे कमीशन होते हैं जो कब एक 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 बार मिलते हैं, रेकरिंग नहीं मिलते, और कुछ ऐसे होते हैं जो रेकरिंग मिलते हैं। तो ग्रेट ऑप्शन है ये, आप आसानी से इसे कर सकते हो। स्टॉक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लेस, रेंटिंग वगैरह सारी चीजें, ड्रॉप शिपिंग है, इसे यूज कर सकते हो। हाउएवर, आपको अपना पोर्टफोलियो बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ जी किस नीश में आप प्रोडक्ट एफिलिएट कर पा रहे हो। आपको ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको उनका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, और राइट प्रोडक्ट्स डालने पड़ेंगे बेचने के लिए। ऐसा ना हो कि उनकी रिटर्न ज्यादा आए या ग्रेविटी स्कोर कम है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और उस तरीके से कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, प्रोडक्ट राउंडअप दे सकते हैं, बाइंग गाइड दे सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मीन गाइड अगर आप चाहें तो सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ जी परचेज लिंक। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट्स को और उन्हें भी बेचते हैं, बट ये एफिलिएट मार्केटिंग टोटल डिफरेंट है। ऑलरेडी ऑडियंस अगर आपके पास है सोशल मीडिया अकाउंट, तो आप आसानी से प्रोग्राम्स और ये सारा मनी और इंस्टाग्राम पे सारी चीजें कर सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको वेबसाइट के थ्रू काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से काम करें, शुरुआत में SEO के थ्रू एफिलिएट प्रोडक्ट बेचें, और पेड मार्केटिंग के टूल्स यूज ना करें, तो यही चीज है। तीसरा है वर्चुअल डांस इंस्ट्रक्टर। देखिए, वर्चुअल डांस इंस्ट्रक्टर ग्रेट होम बेस्ड बिजनेस आइडिया है अगर आप करना चाहते हैं। एडवांटेज ये है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना बिग स्टूडियो स्पेस में, आपको गैदर नहीं करना बच्चों को, आप फेसबुक एड्स के थ्रू अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आप अपना बच्चों को जाके उनके घर पे सिखा सकते हो, आप क्लासेस ले सकते हो उनके ऑनलाइन लेना चाहते हो, जूम वगैरह पे भी ले सकते हो। आपको कोर्सेज बनाने पड़ेंगे, आप ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हो अपनी वेबसाइट के थ्रू, और पैसे इनकम का ये सबसे बढ़िया तरीका है। जो ओनली टूल आपको रिक्वायर्ड है वो होम बेस्ड बिजनेस के लिए, देखिए, कैमरा होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप आसानी से सारी चीजें कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। मोरओवर, अगर मैं बोलूँ हाँ जी, कोर्सेज आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बना सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जाके क्लासेस भी दे सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हो। थोड़ी सी मनी देनी पड़ेगी, फेसबुक एड्स पे लोकेशन बेस्ड एड्स चलाए,
ज्यादा कोशिश ना करें, ज्यादा खर्च करने की, अदरवाइज दिक्कत होगी। उसके अलावा पर्सनल ट्रेनर भी बन सकते हैं। पर्सनल ट्रेनर बनना बहुत आसान है। आप अगर फिटनेस ट्रेनर हैं या फिटनेस इंडस्ट्री में हैं तो आप होम बेस्ड ट्रेनिंग दे सकते हो, लोगों के घर पे जाकर ट्रेनिंग दे सकते हो, रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू स्टेमिना, रिलेटेड टू एक्सरसाइजेस। हाँ जी, पर्सनल ट्रेनर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉस्ट लेते हैं। तो आपको पर सेशन का 1000 रुपीज भी मिल सकता है, 2000 रुपीज भी मिल सकता है, 3000 रुपीज मिल सकता है। ग्रेजुअली बिजनेस अगर टेक ऑफ हो गया तो आप अपने साथ और भी फिटनेस ट्रेनर रख सकते हो और आप फिटनेस ट्रेनर पूरे एरिया में प्रोवाइड करा सकते हो, बशर्ते तो वहां पे पेइंग कैपेसिटी हो उन लोगों की और उस तरीके से सारी चीजें। पांचवा आइडिया है कि आप फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हो। फ्रीलांस राइटिंग में सहेली चैटर्जी है, महीने में वो 1 लाख रुपए कमाते हैं ये, और ये सारा काम fiverr.com से उठाते हैं। fiverr.com पर असाइनमेंट मिलते हैं, वहां से ले लेते हैं, उसको पूरा करते हैं और उसके बाद उसको देते हैं। जितना आसान देखना है उतना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और आपके पास नीच होनी चाहिए और आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होना चाहिए। अभी एकदम से तो पोर्टफोलियो बनता नहीं है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना पोर्टफोलियो मीडियम और लिंक्डइन पेज बना सकते हैं। आपको आसानी से फ्रीलांस वर्क मिल जाएगा या तो लिंक्डइन नेटवर्किंग के थ्रू, फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू। बस आपको करना क्या है, आपको देखिए ब्लॉग्स और कोर्सेज और वो सारी चीजें तैयार करनी है। फ्रीलांसिंग में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ग्रामर पे, अपनी इंग्लिश पे और नीच पे, क्योंकि बिना उसके कोई भी आपको 1000 रुपीज पर आर्टिकल देगा नहीं। हो सकता है शुरुआत 500-600 से हो जाए, बट अगर 500-600 से भी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आसानी से आपके लिए तो ईजी है। 500 रुपए आर्टिकल या 1000 रुपए आर्टिकल, आपने 30 आर्टिकल भी लिख लिया तो 30,000 रुपए हो गए। तो अगर देखेंगे तो ओनली टूल्स जो आपको चाहिए, एक तो कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, इंटरनेट एक्सेस चाहिए और आपको कुछ सारे सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसे ग्रामर लीगा हो गया और बाकी सारे। छठा आइडिया आता है फ्रीलांस कॉपीराइटर। देखिए बिजनेस फॉर्म फ्रीलांस राइटिंग की तरीके से ही है। इसमें क्या होता है, इसमें एड कॉपीज बनाई जाती है, लैंडिंग पेज कॉपी होती है, ईमेल न्यूज़लेटर होता है, सोशल मीडिया पोस्ट होता है और मेन पर्पज जो होता है इसका कि हाँ जी सेल जनरेट करने क्लाइंट्स के लिए। तो फ्रीलांस कॉपीराइटर क्या होता है, वो चार्ज करता है कि हाँ जी अगर हम आपके लिए कोई भी कॉपी क्रिएट करके दे रहे हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो एड कॉपी हो, मीडिया पोस्ट हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, ईमेल न्यूज़लेटर्स हो, लैंडिंग पेजेस हो, तो उसकी वो कॉस्ट लेता है, क्योंकि उसके थ्रू एक तरीके से कन्वर्जन पॉसिबल होती है, सेल्स होती है। कॉपीराइटर जो होता है वो बहुत आसानी से, बहुत ही क्रिस्प वे में सारी चीजें को दिखाता है, डिनोट करता है। एक तरीके का पोस्टर हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिसे आसानी से बिल्डअप किया जा सकता है, जिसके थ्रू सेल्स हो सकती है, तो हम उसे फ्रीलांस कॉपीराइटर बोलते हैं। ये भी आप सीख सकते हैं, पूरा कोर्सेस ऑनलाइन पढ़े हुए फ्रीलांस कॉपीराइटर कोर्सेज, अगर आप यूट्यूब में सर्च डाल के ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बात आती है कि देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी। देखिए गुड आइडिया, फर्स्ट टू इन्वेस्ट आपको कोर्स करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है कोर्स, आप आसानी से उसको कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, और इसमें कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, सब कुछ ऑनलाइन फ्री है। अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट भी है जो आपको कोर्सेस देती है, तो ये चीज ध्यान में रखें। होम बेस्ड लो बिजनेस आइडियाज थे ये, अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आप इसे आसानी से शुरू कर सकते हो और कोई भी बंदा इसे आसानी से शुरू करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये सारे बिजनेस आइडियाज मैं इसलिए लाया हूँ कि हाँ जी आपका कुछ ना कुछ भला हो और आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाए और जिसके थ्रू आप आसानी से अर्निंग कर पाए। आपको सिर्फ अपनी स्किल्स को मैग्निफाई करना है ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए और आप अपना अच्छी तरीके से कमाई कर पाए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।